मिलाीम असल आई होप यू मस्ट बी डूइंग गुड इनशा इट्स मी अंजुम एट योर ओन चैनल इंग्लिश लाउंज आज के वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट सिमेंटिक रोल्स हमारे वीडियो का कंटेंट क्या होगा कि सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे दट वॉट इज सिमेंटिक रोल एंड देन हम डिफरेंट टाइप्स टू सिमेंटिक रोल्स की हैं वो डिस्कस करेंगे थ्रू आउट द वीडियो सो लेट्स प्रोसीड योर टॉपिक सबसे पहले हम देखेंगे कि सिमेंटिक रोल क्या है सिमेंटिक रोल बेसिकली किसी भी पार्टिसिपेंट या एंटिटी का रिलेशनशिप होता है विद द मेन वर्ब किसी सेंटेंस या क्लॉज में यानी एक सेंटेंस होगा या एक क्लॉज होगा तो उसमें जो मेन वर्ब है उसका बाकी जो वर्ड्स हैं बाकी जो एंटिटीज हैं या बाकी जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके साथ उसका रिलेशनशिप क्या है या किस तरह से जो वो वर्ड्स रोल प्ले कर रहे हैं अब देखें ये पार्टिसिपेंट या एंटिटी का वर्ड मैंने यूज़ किया है ये तमाम जितने भी सेंटेंस में वर्ड्स होते हैं उन डिफ़रेंट वर्ड्स के लिए हम पार्टिसिपेंट या एंटिटी का वर्ड यूज़ करते हैं सो so, सिंपली हम ये कह सकते हैं कि सिमेंटिक रोल्स क्या हैं सिमेंटिक रोल्स का मतलब है कि वर्ड्स क्या रोल परफॉर्म करें विद इन सिचुएशन जो कि उनको सेंटेंस की तरफ से दी गई है अब ये रोल्स किस तरह से हैं या क्या हैं या क्या कितने रोल्स जो वो हो होते हैं ये हम डिस्कस कर लेते हैं सेवन मेन सीमेंटिक रोल्स होते हैं वैसे तो नाइन भी होते हैं इलेवन भी हम डिस्कस कर सकते थे लेकिन जो मेन मेन रोल्स हैं हम जस्ट जो है वो अपने वीडियो में आज डिस्कस करेंगे तो हम कौन कौन से मेजर रोल्स जो डिस्कस करेंगे एजेंट एंड थीम इंस्ट्रूमेंट एंड एक्सपीरियंसर लोकेशन सोर्स एंड गोल ये सेवन रोल्स आज हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले हम एजेंट एंड थीम में अगर देखें तो सबसे पहले एजेंट को हम जो कि एक अलग से रोल है उसको डिस्कस कर लेते हैं एजेंट क्या है एजेंट हम ऐसे वर्ड को कहते हैं या ऐसी एंटिटी को कहते हैं सेंटेंस में कि जो एक्शन परफॉर्म करता है याद रखिएगा एजेंट जो है वो एक्शन परफॉर्म करता है एक्शन को हम नहीं कहते बल्कि एक्शन परफॉर्म करने वाले को हम एजेंट कहते हैं एजेंट नॉर्मली जो वो कोई भी नाउन फ्रेज जो सेंटेंस में होगा वो एजेंट agent होगा एजेंट्स ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास जो वो ह्यूमंस uh, हों या लिविंग्स हों नॉन ह्यूमन या नॉन लिविंग एंटिटीज भी हो सकती हैं एग्जाम्पल्स हम कुछ देख लेते हैं जैसे यहाँ पे फर्स्ट है द बॉय किक द बॉल अब देखें यहाँ परफॉर्मर कौन है यहाँ पे जो एक्शन प्ले करने वाला है वो कौन है द बॉय जो कि ह्यूमन है तो ये हमारे पास एजेंट आ गया द विंड ब्ल्यू द बॉल अवे अब अगर ये देखें हम तो यहाँ पे द विंड ये नॉन ह्यूमन है यानी एक नेचुरल फोर्स है लेकिन ये हमारे पास एजेंट है अ कार रेन ओवर द रोड अब अगेन कार हमारे पास ह्यूमन नहीं है बल्कि मशीन है नॉन ह्यूमन है तो ये भी हमारे पास क्या है एजेंट है जैसे कि हमने लास्ट पॉइंट में हमने कहा ना कि हमारे पास जो एजेंट्स हैं वो ह्यूमन भी हो सकते हैं एंड नॉन ह्यूमन भी हो सकते हैं देन द डॉग कॉट द कैट अब देखें द डॉग ये हमारे पास फ्रेज है और ये क्रिएचर है तो ये क्या है एजेंट है यानी ये जो द बॉय है द विंड है कार है डॉग है ये परफॉर्मर्स हैं है, 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 ये, है, ये हमारे पास जो वो एक्शन को प्ले करने वाले हैं तो ये हमारे पास क्या कहलाएंगे एजेंट कहलाएंगे द डॉग चेज द बॉय अब फर्स्ट जो सेंटेंस है या फर्स्ट एग्जांपल है उसमें हमने द बॉय को एजेंट कहा जरूरी नहीं है कि द बॉय जो है वो या बॉय जो है हर जगह पे एजेंट ही हो अब यहाँ पे एजेंट कौन है डॉग है क्योंकि एक्शन किसकी तरफ से परफॉर्म किया जा रहा है डॉग की तरफ से परफॉर्म किया जा रहा है बॉय कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं करा परफॉर्मर जो होगा उसको हम एजेंट कहेंगे अब ये जो वर्ड्स अंडरलाइन हैं ये क्या हैं इसको हम दोबारा डिस्कस करेंगे पहले हम जो वो देख लेते हैं थीम क्या है थीम ऐसे वर्ड्स को हम कहेंगे कि जो उस एक्शन से यानी वो जो एक्शन परफॉर्म किया जाएगा उससे इफ़ेक्ट होंगे तो जो वर्ड्स या जो एंटिटीज़ या जो पार्टिसिपेंट्स एक्शन से इफ़ेक्टेड होंगे हम उनको थीम कहेंगे लेकिन थीम वो भी हो सकते हैं कि जहाँ पे सिंपली किसी भी चीज़ को डिस्क्राइब किया जाए उसको भी हम थीम कह सकते हैं यानी ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ एक्शन से इफ़ेक्ट हो एक सिंपल सेंटेंस है उसमें कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं किया जा रहा कोई भी परफॉर्मर नहीं है तो उसको भी हम कह सकते हैं कि ये सिंपली ये क्या है ये थीम है हम इन दोनों स्टेटमेंट्स की एग्जांपल्स लेंगे बारी बारी तो हमें समझ आ जाएगी देखिए इन सेंटेंसेस में जो चीज़ इफेक्ट होगी वो थीम कहलाएगी द बॉय किक द बॉल अब किक जिस चीज़ को किया गया किस को बॉल को किया गया यानी एक्शन से बॉल जो है वो इफेक्ट हुई सो बॉल इज़ थीम द विंड ब्ल्यू द बॉल अवे अगेन विंड जब ब्ल्यू यानी हवा जब चली तो उस एक्शन से कौन इफेक्ट हुआ बॉल इफेक्ट हुई अगेन बॉल इज थीम अखार रेन ओवर द रोड आप कार जब चली यानी कार रेन तो जब कार चली तो उससे क्या चीज इफेक्ट हुई रोड इफेक्ट हुई तो हम कहेंगे रोड क्या है थीम है द डॉग कॉट द कैट अब यहां पे अगेन कैट जो है वो इफेक्ट हो रही है सो कैट इज थीम द डॉग चेज द बॉय अब देखें फर्स्ट सेंटेंस में हमारे पास बॉय जो है वो एजेंट था लास्ट जो सेंटेंस है इसमें हमारे पास बॉय जो है वो थीम है अब जो सेकंड स्टेटमेंट हमने थीम की दी थी कि कोई भी अगर सेंटेंस है उसमें कोई स्टेटमेंट दी जाती है यानी किसी भी चीज़ को सिंपली डिस्क्राइब किया जाता है किसी भी एंटिटी को सिंपली डिस्क्राइब किया जाता है तो वो भी हमारे पास थीम होगा सो so, uh, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं द बॉल इज रेड अब बॉल को सिंपली डिस्क्राइब किया जा रहा है कि बॉल रेड है तो बॉल हमारे पास थीम है द बॉय इज़ हैंडसम तो अगेन यहाँ पे द बॉय हमारे पास थीम है क्योंकि बॉय को सिंपली डिस्क्राइब किया जा रहा है देन हमारे पास नेक्स्ट जो रोल्स आ जा जाते हैं वो हैं इंस्ट्रूमेंट एंड एक्सपीरियंसर सबसे पहले हम इंस्ट्रूमेंट को देख लेते हैं अगर कोई एजेंट जब एक्शन परफॉर्म करता है तो वो एक्शन परफॉर्म करने के लिए जो चीज़ जो एंटिटी यूज करेगा हम उसको कहेंगे कि ये इंस्ट्रूमेंट है टूल्स जो भी यानी यूज़ किए जाएँ फॉर एक्शन बे द नाउन और वे द नाउन फ्रेज क्योंकि हमने कहा कि जो भी नाउन फ्रेज हमारे पास सेंटेंस में होगा वो हम कहेंगे कि एजेंट है अगर वो एक्शन परफॉर्म करा है अगर वो एक्शन परफॉर्म नहीं करा सिंपल सेंटेंस है सिंपल स्टेटमेंट है तो वो फिर थीम होगा लेकिन अगर वो एक्शन परफॉर्म करा है तो एक्शन परफॉर्म करने के लिए जो भी टूल वो यूज़ करेगा वह टूल हमारे पास इंस्ट्रूमेंट कहलाएगा अगेन सिंपली हम ये कह सकते हैं कि कोई भी एंटिटी या पार्टिसिपेंट जिस चीज के थ्रू एक्शन परफॉर्म कर रहा है तो उसको हम इंस्ट्रूमेंट कहेंगे फॉर एग्जाम्पल शी हर हेयर विद अ टोवल अब देखें यहाँ पे एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है क्या एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है बाल सुखाए जा रहे हैं विद अ टॉवल यानी इंस्ट्रूमेंट क्या है टॉवल है टॉवल की मदद से हेयर को ड्राई किया जा रहा है फिर इसी तरह से सेकेंड हमारे पास एग्जाम्पल है बुशरा हिट द सेक विद इन अम्ब्रेला अब यहाँ पे बुशरा जो है वो परफॉर्म कर रही है एक्शन जो कि बुशरा हमारे पास जो वो एजेंट है हिट द सैक हिट किसको किया जा रहा है सैक को तो सैक हमारे पास क्या आ गया थीम विद एन अम्ब्रेला अब एक्शन मदद से परफॉर्म किया जा रहा है अम्ब्रेला की मदद से सो अम्ब्रेला इज इंस्ट्रूमेंट अब नेक्स्ट जो हमारे पास रोल आ जाता है वो है एक्सपीरियंसर का याद रखिएगा एक्सपीरियंसर एंड एजेंट बहुत ही नैरो लाइन है इन दोनों के दरमियान ये दोनों डिफरेंट हैं इन दोनों को अपने मिक्सअप या मर्जप नहीं करना ऐसा पार्टिसिपेंट या जो सेंटेंस में एंटिटी होगी उसको वर्ब जो है वो करेक्टराइज़ करता है कि वो किसी भी चीज़ से अवेयर है अब इसको ज़रा हम आसान अल्फाज में देख लेते हैं कि एक्सपीरियंसर क्या है एक्सपीरियंसर ऐसा पार्टिसिपेंट या एंटिटी है कि जो कुछ फ़ील करे ठीक है उसने एक्शन परफॉर्म नहीं करना एजेंट जो है वो एक्शन परफॉर्म करता है जबकि जो एक्सपीरियंसर है वो एक्शन को या किसी भी चीज़ को फ़ील करता है वो प्रॉपरली एक्शन को परफॉर्म नहीं करता लेकिन फील करता है अली हर्ड दैट द बेबी वॉज क्राइंग अब देखें अली हर्ड अली ने सिर्फ सुना कोई एक्शन परफॉर्म नहीं किया सो अली इज एक्सपीरियंसर द बॉय फील्स सैड अब क्या है बॉय क्या करे फील करे सैड यानी कि वो कोई एक्शन परफॉर्म नहीं करा वो एक्सपीरियंसर है वो फील करे उसको फीलिंग आ रही है डिड यू हेयर द नॉइस अब यू यहाँ पे एक्सपीरियंसर है यू से कहा जा रहा है कि क्या तुमने आवाज़ सुनी और अगर उसने आवाज़ सुनी है या नहीं सुनी तो उसे क्वेश्चन किया जा रहा है सो यू इज़ एक्सपीरियंसर नेक्स्ट जो हमारे पास रोल्स आ जाते हैं वो हैं लोकेशन सोर्स एंड गोल इनमें हम पहले लोकेशन को देख लेते हैं लोकेशन क्या है कि जहाँ पे या जिस जगह पे वो एक्शन जो है वो परफॉर्म किया गया हो अब ज़रूरी नहीं है कि वो एक्शन किसी ग्राउंड में परफॉर्म किया गया या कहीं किसी रूम में परफॉर्म किया गया या किसी छत पे तो या फिर किसी शहर या किसी कंट्री का नाम है बल्कि ये टेबल भी हो सकता है वो रूम भी हो सकता है वो फ्लोर भी हो सकता है वो आ, मतलब कोई भी जगह कहीं भी किसी भी लोकेशन का जहाँ पर जिक्र आएगा किसी भी जगह का जहाँ पर जिक्र आएगा तो हम कहेंगे ये जो है वो ये सीमेंटिक रोल लोकेशन है फॉर एग्ज़ाम्पल क्रिकेट मैच फॉर हेल्ड इन कराची स्टेडियम अब देखें क्रिकेट मैच एक एक्शन एक जो है वो परफॉर्म किया गया कहाँ परफॉर्म किया गया कराची स्टेडियम में सो so, कराची स्टेडियम इज़ लोकेशन मैरी सो अ फ्लाई ऑन द वॉल मैरी ने फ्लाई देखी मक्खी देखी ऑन द वॉल तो वॉल क्या है हमारे पास लोकेशन है यानी कोई भी एक्शन कहाँ परफॉर्म किया जा रहा है टेबल पे चेयर पे बेड पे या फ्लोर पे या रूम में कहीं भी सो so, वो चीज़ हमारे पास वो वर्ड या वो एंटिटी या वो जो पार्टिसिपेंट होगा वो हमारे पास हम कहेंगे कि ये सीमेंटिक रोल जो है वो लोकेशन है नेक्स्ट चीज हमारे पास आ जाता है सोर्स अब सोर्स क्या है कि, कि किसी भी सेंटेंस में ज़रूरी नहीं है हर सेंटेंस में किसी भी सेंटेंस में अगर ये बताया जा रहा है कि कोई एंटिटी या कोई पार्टिसिपेंट है वो कहाँ से मूव कर रहा है या उसने वो चीज़ कहाँ से हासिल किया तो दैट इज़ सोर्स फॉर एग्जाम्पल शी बोरोड अ मैगजीन फ्रॉम द कंपनी अब देखें सोर्स यहाँ पे क्या है बहुत ही कॉमन सेंस की ये बात है कंपनी है क्योंकि जो एंटिटी है यानी शी शी बोरोड अ मैगजीन अब शी हमारे पास एजेंट है बोरोड अ मैगजीन ठीक है उसने बोरो किया मैगजीन अब उसने इस एंटिटी ने ये चीज़ कहाँ से हासिल की सोर्स इसके पास क्या है कंपनी है सारा इज़ बाइंग शर्ट्स फ्रॉम पुनैसा सतरंगी अब सारा जो है वो एक रोल परफॉर्म कर रही है ठीक है सारा एजेंट है वो बाय कर रही है शर्ट्स कहाँ से बुनेंजा सतरंगी से सो so, बुनेंजा सतरंगी इज़ सोर्स देन हमारे पास नेक्स्ट जो रोल आ जाता है वो है गोल अब गोल क्या है कि अगेन जो सोर्स और गोल ये दोनों थोड़े जो वो मिलते जुलते हैं सोर्स के जहाँ जहाँ से वो चीज़ हासिल की गई गोल जहाँ उस चीज़ ने वापस जाना है यानी उस एंटिटी ने दोबारा उस तरफ मूव करना है किसी भी सेंटेंस में अगर ये बताया जाता है तो हम कहेंगे वो गोल है शी हैंडेड द मैगजीन बैक टू कंपनी बैक टू यानी वो दोबारा जा रही है वो चीज़ कहाँ जा रही है कंपनी सो कंपनी इज़ गोल अली इज़ गोइंग बैक टू शिकागो सो यहाँ पे गोइंग बैक टू एंटिटी किस तरफ मूव कर रही है शिकागो की तरफ मूव कर रही है सो शिकागो इज़ गोल सो दीज सेवन सीमेंटिक रोल्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा और वीडियो को थम्सअप देना ना भूलिएगा थैंक यू सो मच अल्लाह हाफिज़